दोस्तों आज मैं आपको अवेयरनेस लेक्चर दूंगा कि अगर आप लेबोरेटरी चला रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को आपने क्या अपॉइंटमेंट दी है। तो एक केस में नाम नहीं लूंगा, पेशेंट के पास 7:30 बजे मान लीजिए कि सैंपल कलेक्ट करने के 7:30 से 8 आना था और वो 10 से 10:30 आया सैंपल कलेक्ट करने वाला लेबॉर्टमी टेक्नीशियन। तो मानिए लेबॉर्टरी कॉरपोरेट लेबॉर्टरी का ब्लड कलेक्शन वाला लेने वाला था, तो पेशेंट ने केस कर दिया, स्यू कर दिया उसको कंज्यूमर कोर्ट में, तो उसको 5,000 देने पड़े। हालांकि उसने सब्सटेंशियल एविडेंस दिया था कि उस टाइम कोविड चल रहा था, बहुत लंबी लाइनें थी, मगर नहीं, उसको खजाना देना पड़ा। ऐसा ही दूसरा केस है जिसमें एक पेशेंट का रीनल ट्रांसप्लांट होना था और रीनल ट्रांसप्लांट में एक टेस्ट होता है CMV, साइटोमेगैलस वायरस। ये सेम ऑर्गन डोनर्स या पीपल सीकिंग एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट या एग एंड स्पर्म डोनर में भी होता है। तो उन्होंने पैसे दिए और पेशेंट की रिपोर्ट जो आई वो 25-30 दिन लग गए, तो तब तक पेशेंट मर चुका था। उसको 50,000 जुर्माना हुआ उस लैब। दोस्तों याद रखिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप भी इसमें पार्टी बन सकते हैं। तो कहीं पर भी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हमारे से ना हो, ये ध्यान रखें कि अवेयरनेस आपके सुपुर्द करने के लिए हमारा छोटा सा नसीज तोहफा था। अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।